पब्लिक स्टेज पे मैं संगीता भटेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को सैनिटाइज करने की वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। वहाँ मेरे पास कमेंट आया था कि क्या ये वर्क करेगा। बिल्कुल ये वर्क करेगा। ये कन्फ्यूज़न मे भी आपको इसलिए हुआ क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो अपलोडेड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को सैनिटाइज करने के लिए, जिसमें कि यूज़ किया गया है वाइट विनेगर यानी कि सिरका, और मैंने जो यूज़ करवाया है वो है नमक, सेंधा नमक का इसमें इस्तेमाल हो जाता है। ये कोई मेरी पद्धति नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ा या देखा और आपको बता दिया, या कहीं से मैंने देख के ये सब। ये एक योग की पद्धति है, आयुर्वेद की बहुत ही प्राचीन पद्धति है, योग का एक पार्ट है, जहाँ जो हमारे ऋषि मुनि या जो रहते थे वो सब फ्रूट और वेजिटेबल्स को कच्चा खाते थे। हिमालय पे तपस्या करने वाले जो संत महात्मा हैं वो आज भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को कच्चा खाते हैं। तो कच्चा खाने के लिए इस तरीके का सेंधे नमक का उपयोग किया जाता है, यानी कि वाटर में डिप करके और एक घंटे के लिए सब्जियों को छोड़ा जाता है, और फिर रॉ खाने के लिए उसे कट करके आप उसे ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। यानी आपने फल और फ्रूट्स जो भी आपको मिला आपने तोड़ा और इस तरीके से उसको धोया, एक घंटे के लिए डिप किया और धोया, और उसके बाद आपने एक एज इट इज खा लिया। तो ये बहुत पुरानी और प्राचीन पद्धति है। एक नमक एक बहुत छोटी चीज़ लगती है, यही कन्फ्यूज़न आता है कि क्या ये वर्क करेगा। बिल्कुल ये कन्फ्यूज़न आ सकता है। नमक को आप बहुत छोटा मत समझिए, नमक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा सेंधा नमक जो है बहुत ही पावरफुल नमक है। अभी तक अगर आपको ध्यान हो तो नमक एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी आपने कीड़े पड़ते हुए नहीं देखा होगा। घर में हर चीज़ में अगर एक टाइम के बाद उसमें अगर आपने केयर नहीं की तो वो उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, लेकिन नमक में कभी आपने कीड़े पड़ते हुए नहीं देखा होगा। नमक अपने आप में जो प्रकृति के बहुमूल्य देन है। इसके अलावा नमक को आप छोटा इसलिए भी नहीं समझिएगा कि आपने अगर आपको ध्यान हो कभी आपने देखा या सुना हो तो जो जानवर वगैरह रहते हैं या गाय वगैरह रहती हैं, ये सब जब ख़त्म हो जाते हैं यानी कि परमधाम चले जाते हैं, तो इन्हें दफनाने के लिए नमक इनके साइड में डाला जाता है, ताकि जिससे कि जो ये कीड़े मकोड़े हैं इनके पास ना आए, इन्हें नमक के साथ दबाया जाता है। और वो जो नमक लिया जाता है वो सेंधा नमक ही होता है, डले वाला नमक यूज़ किया जाता है। अगर बहुत जो पुराने लोगों में उन्हें पता होगा, कभी नंदी वगैरह की डेथ होती थी तो आज भी बहुत जगह पे ऐसा होता है, उसमें नमक को कलेक्ट किया जाता था घर घर में कि आप नमक दीजिए, फिर वो नमक के साथ उसे दबाया जाता था। तो ये सब बहुत प्राचीन पद्धतियां हैं, मेरे द्वारा नहीं बताई गई, ये ऋषि मुनियों की पद्धतियां हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और आप इसे बिल्कुल निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आई होप कि आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा, और जो आपके माइंड में ये मिथ आ रहे थे कि ये काम करेगा या नहीं करेगा वो भी क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि वाइट विनेगर यानी कि वो एक जो है सिंथेटिक सिरका है, आप उसे अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वेजिटेबल फ्रूट्स में तो एक तरह का आप वो आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट देगा ही देगा, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। वाइट विनेगर जो है एसिटिक एसिड से वाइट विनेगर बनाया जाता है, और उस वाइट विनेगर को आप रोज़मर्रा की सब्जियों में डेली, क्योंकि सब्जियां फ्रूट्स ऐसी हैं जो दिन में हमें कई बार कंज्यूम करते हैं, सब्जी दाल सब्जी ये सब हम पूरा दिन कई बार कंज्यूम कर लेते हैं, और इतना आप अगर वाइट विनेगर को बॉडी में कंज्यूम करेंगे। वाइट विनेगर जो है भारतीय परंपरा में बहुत फूड में बहुत कम यूज़ होता था। सिरके का आपका जो सेब का सिरका या नेचुरल जामुन का सिरका वो सब सिरके प्रचलन में थे, लेकिन ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है वाइट विनेगर, जो कि अब बहुत यूज़ होता है। ये पहले जो था सिर्फ कुछ जैसे सॉस वगैरह बनाना और कुछ कंपनीज में ही इसका यूज़ किया जाता था, बहुत ज़्यादा इसका फ्रिक्वेंसी में यूज़ नहीं होता था। अब चाइनीज़ हर फूड में ये आप यूज़ कर रहे हैं, उतना तो ठीक है। अगर आप इससे सब्जियां और फ्रूट भी धो के खाने लगे तो इसकी मात्रा बहुत एक्सेस बॉडी में हो जाएगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। और सिर्फ नमक बहुत सिंपल है, सेंधा नमक हो सबसे अच्छा है, सेंधे नमक का ही उपयोग किया जाता है। बट अभी जो स्थिति है इस वजह से मैंने आपको कहा कि आपके पास जो भी नमक अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप इसमें सेंधे नमक का ही यूज़ कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू।